तो न्यूज नेशन की ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। जनता कर्फ्यू आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है, लेकिन कोरोना के बावजूद शाहीन बाग में प्रदर्शन जारी। अपील के बावजूद प्रदर्शनकारी यहां से हटने को तैयार नहीं, अपना प्रदर्शन यहां पर जारी रख रहे हैं। हालांकि उनकी जो ये हरकत है वो कितनी बड़ी मुसीबत के तौर पर सामने आ सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अपील की गई है कि फिलहाल आप प्रदर्शन ना करें, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है उसमें उनके सहयोग की जरूरत है, लेकिन सहयोग दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। लगातार जो लोग अब तक इस विरोध प्रदर्शन के साथ खड़े थे, अब वो भी अपील कर रहे हैं शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से कि कृपया करके आप यहां से हट जाइए। अपील के साथ साथ राज्य सरकार की तरफ से ऐलान किया जा चुका है कि अब 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, यानी जो नियम है, कायदा कानून है, उसका भी यहां पर सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। ये जानते हुए कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है देश और दुनिया में, लगातार किस तरीके से इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है, उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली के शाहीनबाग की तस्वीर आप देख रहे हैं और लखनऊ के घंटाघर की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। हालांकि दिल्ली के शाहीनबाग में विरोध का तरीका थोड़ा अलग नजर आ रहा है। यहां पर जो तख्त पड़े हुए हैं उन तख्तों पर जूते रखे गए हैं, साथ में अपने अपनी जो जानकारी है वो साझा की गई है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग शाहीनबाग में मौजूद हैं।